तो हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, आज करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और बहुत गजब तरीके से। अगर ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे जेब में जाएंगे, जेब में सीधा। बस शर्त इतना है कि ईमानदारी से देखना है और कोई भी कॉन्सेप्ट मैं मिस नहीं करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग बहुत डेप्थ में बात करेंगे, डिटेल में। इवन आपको ऐसी ऐसी बातें पता लगेगी कि जो आपको शायद पहले पता ना हो। सो चैप्टर रहेगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी मोशन होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, यानी कि आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते भैया, आपको सीधा ही चलना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट लाइन में ही चलना पड़ेगा। ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है कि भाई ये बताओ, पहली बात तो मोशन होता क्या है। तो अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे इस कमरे की बात करूं, हम एक फ्रेम की बात कर रहे हैं। फ्रेम मतलब ये कमरा मेरे लिए फ्रेम है। इस कमरे के अंदर मेरा भाई सामने बैठा है कुर्सी पे, और मेरा भाई देख रहा है कि मैं इधर गया, फिर मैं इधर गया, फिर मैं इधर गया, तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। यानी मेरी पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ। तो जब भी किसी का पोजीशन चेंज हो समय के साथ, तो आप कहते हैं कि भाई वो मोशन में है। तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, तो बंदा किसमें होगा? मोशन में होगा। क्या बात है सर। अगला टॉपिक क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है और यहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। सुनिए, टॉपिक का नाम है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां लिखा है डिस्टेंस, यहां लिखा है डिस्टेंस, यहां लिखा है डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में ना फर्क समझेंगे हम बढ़िया से। देखो, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो ए से बी तक जाना है, तो एक बंदा ऐसे गया, कभी इधर चला, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे ऐसे कर्व, और बी पर पहुंच गया। फिर कोई बंदा ऐसे गया, ऐसे घूमते फिरते, ऐसे ऐसे घूमते फिरते, तो यहाँ डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो जो इसे चला है ना ए से बी तक, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। जो चला है जिसके अंदर डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, डायरेक्शन का पता ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो ये डिस्टेंस है। वैसे ये वाला भी एक डिस्टेंस है, वैसे ये भी एक डिस्टेंस हो सकता है, ये भी कोई घूम फिर कैसे जाए, तो ये भी एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि देखो, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, कितना रास्ता कवर करता है एक्चुअल में एक बंदा, और उसमें डायरेक्शन के बारे में कुछ पता ना हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग के पॉइंट से लेके एंड के पॉइंट तक, अगर एक फिक्स डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बंदा जाए, तो जो पाथ है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सबसे बड़ा फर्क यही है कि डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं पता हमें, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स होता है। सेंस समझना इस बात का। तो ये होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जो सबसे छोटा रास्ता है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों कहते हैं, नो फिक्स्ड डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, इसलिए इसका नाम होता है स्केलर। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्यों कहते हैं, फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी जिसका भी डायरेक्शन फिक्स होगा उसको हम वेक्टर कहेंगे। अब अगला देखिए, अगला लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है इट हैज मैनी वैल्यूज, जो डिस्टेंस होता है इसके पास बहुत सारी वैल्यू होती है। मतलब देखो, कोई बंदा ऐसे गया, जैसे मैं इसको थोड़ा ब्लू से इससे करता हूं, ऐसे गया तो उसका डिस्टेंस अलग होगा, ऐसे गया तो उसका डिस्टेंस अलग होगा, ऐसे गया तो उसका डिस्टेंस अलग होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है भाई साहब, एक बार मैं देख लूं कि रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही, चल तो रही है, सब कुछ आ रहा था क्या, आना तो चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या बोला था मैंने, हाँ, डिस्प्लेसमेंट के पास सिर्फ एक वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन जाना है हमें, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन तो सेम ही होगा ना हर बार। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है, इसमें अलग अलग वैल्यू आती है, इसमें एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। ये होता है स्केलर, मतलब इसके पास डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये होता है वेक्टर, इसके पास डायरेक्शन फिक्स है, जिसके पास डायरेक्शन फिक्स है उसको हम वेक्टर कहते हैं। और छोटी छोटी बातें बता दूं मैं इसके लिए, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन चल रहे हो, अगर आपका मोशन है स्ट्रेट लाइन, एसटी का मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन में अगर आपका मोशन है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। बोलो क्यों। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ही रास्ता है, यहां पर एक मिनट, यही दिखाता हूं मैं आपको, मान लो यहीं पर मैं दिखाता हूं कि मेरे पास एक पुल है, पुल नदी को पार करने के लिए एक पुल है, तो भाई साहब अगर बंदा यहां से यहां पहुंचता है, तो उसके लिए इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट भी यही है, मतलब यही उसके लिए डिस्टेंस है, वही इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है। समझे मेरी बात को। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर भी हो सकते हैं, केस क्या है कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो और सीधा हो, बिल्कुल सीधा जाए। समझे मेरी बात को। और छोटी छोटी बातें मैं आपको ऐड करवाता हूं एक्स्ट्रा, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आमतौर पर हम बात करें तो आपका जो डिस्टेंस होगा ज्यादा ही होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होता है, तो आमतौर पर डिस्टेंस ज्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट कम होता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की वजह से, देखो डायरेक्शन का मतलब क्या है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो डायरेक्शन की वजह से जो ना डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा मैं लिख देता हूं, नेगेटिव, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, जीरो भी,
डिस्प्लेसमेंट जीरो पे जाता। जीरो कैसे देखो, मान लो कोई बंदा आगे गया तो हम बोलेंगे प्लस 10 और पीछे गया तो बोलेंगे हम माइनस 10, क्योंकि साइन तो आएगा ही क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया जीरो प्लस माइनस जीरो। तो ये जीरो भी होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, पर डिस्टेंस जो है डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, नेवर जीरो, ये होता है नेवर जीरो। तो छोटी छोटी बातें थी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेकर, सारी बात डिस्कस कर ली, इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक होता है हमारा स्पीड। ओ हो सर फाइनली स्पीड पे आ गए। हाँ तो फाइनली जो सर है वो स्पीड पे आ गए, दो तीन दिन से सोया नहीं भाई, रुक जा। सो फाइनली सर आप पे आ गए, स्पीड पे आ गए, ठीक है। ध्यान से देखो, तो हमने डिस्कस कर लिया हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब हम बात करेंगे अपना स्पीड को लेके। देखिए अब देखिए स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का पता कैसे लगता है कि किसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। जैसे मान लो मैं एक सेकंड में 1 किलोमीटर जाऊं और कोई दूसरा बंदा 1 सेकंड में 2 मीटर जाए, सिर्फ 2 मीटर, और मैं 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड ज्यादा, मेरी स्पीड क्या है ज्यादा। तो स्पीड निकालने का तरीका क्या है, तो भैया कितना डिस्टेंस चला आप और कितने टाइम में आप चले, तो डिस्टेंस अपन टाइम को हम स्पीड कहते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान देंगे आप लोग, स्पीड और वेलोसिटी दोनों में फर्क क्या होता है। तो स्पीड जो होता है ना वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फर्क होता है। यानी कि सर स्पीड में डिस्टेंस आता है, हाँ जी, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, हाँ जी, यही फर्क है, समझे मेरी बात को। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है। अच्छा सर आपने कहा था कि डिस्टेंस जो है स्केलर होता है, स्केलर, तो क्या स्पीड भी स्केलर होगा, हाँ जी, अगर डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर होगा। सर आपने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, वेक्टर, तो सर क्या वेलोसिटी भी वेक्टर होगा, हाँ जी वेक्टर होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगा। अच्छा ठीक है सर, सर यूनिट क्या होगा, यूनिट देखो डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड होगा। तो दोनों में फर्क क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क, स्पीड में डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पीड। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की। देखिए तो स्पीड की टाइप्स की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूं, मैंने इसको बहुत बड़े फॉन्ट में लिख दिया, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला होता है एवरेज स्पीड। अभी जो एवरेज स्पीड होता है कैसे निकालते हैं, देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बात है सर, तो सर 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 आप बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अगर टाइप्स ऑफ स्पीड बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे, तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वही वाली बात, वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होगा हमारा, एवरेज वेलोसिटी। आई होप समझ में आया होगा। तो सिंपल सी बात है, स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क होता है, एक में होता है डिस्टेंस, एक में होता है वेलोसिटी। अब यहां पर देखो फॉर्मूला, वी एवरेज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लो कोई बंदा है, ध्यान देंगे, कोई बंदा है एक्स एक्सिस पे चल रहा है और यहां पर है वो 2 मीटर पे है और यहां पर 6 मीटर पे है, तो बताओ कितना चला वो। तो ऐसे निकालोगे ना आप चेंज करके, इसको लिखेंगे हम डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स मतलब चेंज, कितना डिस्टेंस में चेंज आया है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो पहले था 6x था और बाद में 6 था, पहले 2 था, तो आंसर आ गया 4। तो कितना चला वो, कितना चला बताओ, 6 और मतलब 2 और 6 के बीच में 4 ही तो चलेगा, 4, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब कितना डिस्टेंस में चेंज आया है, कितना डिस्टेंस चला है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी किसे बोलेंगे, कुछ भी मत करो बस एक साइन लगा दो साइन, और ये भी सेम होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इसमें साइन क्यों लगाया साइन, ये साइन बताता है कि ये डायरेक्शन, एक वेक्टर चीज है। आपको मैंने पीछे भी बताया था कि भाई साहब जो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट वो होता है वेक्टर, वेक्टर मतलब डायरेक्शन वाला, तो डायरेक्शन के लिए एक निशान है ये, इसको हम वेक्टर कहते हैं, वेक्टर, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक, इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ स्पीड में हमने एवरेज स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी देखा है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में, देखते रहिए, अगला है आपके पास, ये तो एवरेज हम डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज स्पीड, ये एवरेज लिखा हुआ है और ये भी लिखा, ए वी डॉट का मतलब एवरेज वेलोसिटी, ये हमने डिस्कस कर लिया, और फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अभी का मुद्दा क्या है, तो अभी का मुद्दा ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए ये जो वर्ड है इंस्टेंट, इंस्टेंट इंस्टेंट मतलब तुरंत, बहुत ही कम टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम पर। जैसे मैंने कहा भाई तू मेरे को पैसे 4 साल बाद दे दियो या 10 दिन बाद दे दियो, तो मैं टाइम का गैप दे रहा हूं, समझे, या फिर मैं क्या है, अगर मैं 24 घंटे की बात करूं, 15 घंटे की बात करूं, तो टाइम का गैप है भाई कि 14 घंटे हमारे पास, लेकिन अभी कहूं अभी दे, तुरंत दे, इसी इंस्टेंट पे दे, इसी इंस्टेंट पे दे, तो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है, स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम पर हमने स्पीड पूछ लिया, आपका दोस्त कार चला रहा है, स्पीड बता, कॉल किया तुमने, स्पीड बता, स्पीड, और स्पीड बता, अभी बता, अभी स्पीड बता, अभी तुरंत बता, तुरंत, तो जो आप स्पीड मांग रहे हो ना वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और दूसरा एग्जांपल क्या है कि आपका दोस्त दिल्ली से बिहार गया और तुमने पूछा भाई क्या रही होगी स्पीड, तो कहेगा लगा ले भाई ऑन एवरेज लगा ले 40-50 रही होगी, 60 रही होगी। तो वो जब टाइम का गैप ज्यादा होता है ना तो उसको बोलते हैं एवरेज, लेकिन टाइम का गैप बहुत कम हो, पर्टिकुलर टाइम की बात हो तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो ध्यान रखना इसकी पहचान क्या होती है, एट,
तो इंस्टेंटेनियस की पहचान क्या होती है? एट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब देखिए जब कम टाइम होता है ना, कम टाइम के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं डी 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 टी। डी टी का मतलब होता है बहुत ही कम टाइम। तो यहाँ पर टाइम बहुत स्मॉल है, ये स्मॉल टाइम है, बहुत ही स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम एक प्रकार से मान लो। तो जो फॉर्मुला था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वो बन जाएगा डीएक्स बाई डीटी। क्यों? डी का मतलब ऐसा मान लो ये बहुत छोटे को रिप्रेजेंट करता है, छोटे को, छोटा, स्मॉल, स्मॉल है ना, स्मॉल। तो सोचो जब आपसे कोई एक बहुत ही कम टाइम में पूछेगा स्पीड बता, तो टाइम तो बहुत कम होगा ना, तो हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर, अब भी बताओ अभी, तो टाइम तो गैप नहीं है, तो उसके लिए हम डीटी इस्तेमाल करते हैं। तो वही है, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, पर जो टाइम है बहुत छोटा है, टाइम का इंटरवल बहुत छोटा है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मुला। वैसे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो सेम रहेगा वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, बिल्कुल सेम वैसा ही सेम। अब यहां पर भी फॉर्मुला सेम रहेगा, ये टाइम बहुत स्मॉल है, टाइम का गैप ज्यादा नहीं है, बस यहां पर देखो यहां पर एक साइन लगाया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है वेक्टर, और वेक्टर के पास क्या होता है? फिक्स करेक्शन। चलिए हमने पढ़ी अगला, टाइप्स ऑफ स्पीड में, टाइप्स ऑफ स्पीड में अगला टॉपिक है। पहले मैं चेक करूं रिकॉर्डिंग हो रहा नहीं हो रहा, अकेले कर रहा हूं ना, हो रहा है। सो टाइप्स ऑफ स्पीड में अगर हम बात करें तो है ये यूनिफॉर्म स्पीड, और यहां पर हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। अगर आपको थोड़ा बहुत बचपन से याद हो तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, वीडियो आ रही ना पूरी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो ताकि सब एक जैसा लगो, ये इस यूनिफॉर्म का मतलब भी है एक जैसा, मेरी बात समझे? तो यहां पर क्या लिखा है कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब स्पीड के अंदर क्या होता है? डिस्टेंस। तो सोचो एक जैसा स्पीड कब रहेगा? जब सेम डिस्टेंस सेम टाइम में चले, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सेम डिस्टेंस सेम टाइम। अगर सेम डिस्टेंस सेम टाइम में जाएंगे तो हमारा स्पीड एक जैसा होगा, समझे मेरी बात को? अगर समझे ना मेरी बात को, एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल ये हो जाएगा कि मान लो ये 2 किलोमीटर है और 1 सेकंड के अंदर, फिर अगला 2 किलोमीटर भी 1 सेकंड के अंदर, तो स्पीड बिल्कुल सेम होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? तो देखो वेलोसिटी में ना डिस्टेंस की जगह पर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम, अगर सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में है तो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसे देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह दो या वेरिएबल स्पीड कह दो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं, वेरिएबल मतलब जो बदले, जो बदले, जो वेरी करे, जो बदले। तो बदलता हुआ स्पीड कब होगा? जब अनइक्वल डिस्टेंस हो, इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि डिस्टेंस सेम नहीं है, कभी डिस्टेंस ज्यादा है कभी कम है, कभी डिस्टेंस ज्यादा कभी कम, मतलब स्पीड सेम नहीं था, सेम, समझ रहे बात को? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब होता है? जब डिस्टेंस अलग अलग हो, अच्छा अनइक्वल डिस्टेंस हो। वैसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी में क्या होता है? जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर क्या जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो जब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना भाई, तो इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा नहीं है या चेंज होता रहेगा। ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आया हो। अगला टॉपिक मैंने क्या लिखा है? टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है? तो हम कहते हैं देखो भाई एक्सेलरेशन आता कब है? अगर किसी ने बाइक वाइक चलाया हो, अच्छा किसी को बाल से इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, मैं कटवाई नहीं पा रहा हूं, मैं सुबह शाम पढ़ा रहा हूं, दिन रात मेरी आंखें देखोगे तो परेशान हो जाओगे, मैं सोया भी नहीं हूं बहुत टाइम से, आपको पता नहीं होगा, मेरे ब्लॉग चैनल पर जाकर देख लो, यकीन नहीं हो रहा। अब मुद्दा यह है कि एक्सेलरेशन कब आता है? जब हम किसी का वेलोसिटी चेंज करते हैं, जैसे बाइक है, बाइक में एक्सेलरेट करोगे तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेट करने से वेलोसिटी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन कब दिखाई देगा? जब वेलोसिटी चेंज होगा। सोचो मेरी बाइक ऐसे चल रही है 10 की स्पीड, मान लो कि मेरी बाइक 10 की स्पीड चल रही है, 10 की स्पीड से 10 10 10 10, तो दोस्त बोलेगा भाई एक्सेलरेट तो कर दे, तभी तो स्पीड बढ़ेगा। हाँ, तो एक्सेलरेट करने से स्पीड बढ़ता है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यानी जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा आपने एक्सेलरेट ही नहीं किया, तभी तो बाइक को एक्सेलरेट करने से स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही स्पीड चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिट होती है। अब हम आगे बात करते हैं काम की बात, आगे अपने पास है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहला होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो सर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। भाई जब मान लो कि अभी बाइक की स्पीड है 5 और तुमने विंग कर दिया तो स्पीड हो गई 50, 5 से 50 कितना चेंज आया? 45 का चेंज आया। तो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर लिख दो 45, टाइम कितना लगा? टाइम मान लो लगा 2 सेकंड, तो 2 नीचे लिख दो, तो ऐसे आपका एक्सेलरेशन निकलेगा। और सिंबल क्या होगा इसका? इस सिंबल का मतलब होता है चेंज, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। कितना वेलोसिटी में चेंज आया है, कितना वेलोसिटी में चेंज आया है, इसको लिखते हैं हम डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसको बोलते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज, ए एवरेज। तो एवरेज एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, दोबारा वही वाली बात है, इंस्टेंटेनियस, बहुत ही कम टाइम इंटरवल होगा, बहुत ही कम गैप होगा। तो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन लिखा है एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फिक्स टाइम पर पूछ रहा भाई एक्सेलरेशन बताओ, कॉल किया अभी बताओ अभी अभी, तो टाइम बहुत कम होगा, तो टाइम कम होगा तो हम लिखते हैं डीटी। तो ये जगह चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, लेकिन टाइम का जो ये टाइम है बहुत स्मॉल, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कई बार ना बुक में ऐसे लिखते हैं, कई बार ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा टी इज जीरो, यानी जो टाइम है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, मतलब जीरो बिल्कुल टाइम कम है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन बताया। अब देखिए अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में हमने एवरेज पढ़ा, इंस्टेंटेनियस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? स्पीड अप होता है। जब भी किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो आप बोलोगे भाई हमने एक्सेलरेट कर दिया, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड अगर अप होगा तो उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक्सेलरेट कर दिया हमने जब स्पीड अप होगा। वैसे होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें स्पीड डाउन होता है, इसमें ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक, ब्रेक लगाते हैं ब्रेक, तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं,
रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डीएक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो तीनों होता है जब ब्रेक लगे तो, स्पीड कम हो तो। अच्छा एक टॉपिक है और हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक जैसा एक्सेलरेशन, एक जैसा। अब आप खुद सोचिए एक जैसा एक्सेलरेशन कब होगा, जब आप बहुत आराम आराम से कर रहे होंगे ऐसे, ऐसे नहीं कि यू कर दिया, यू कर दोगे तो गाड़ी तुरंत भाग जाएगी। यूनिफॉर्म का झटका लग गया ना झटका, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब कहते हैं जब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, हर सेकंड पर मतलब एक सेकंड में, वन सेकंड, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज इक्वल हो, आराम आराम से चेंज हो, कोई दिक्कत ही ना हो, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और तुमने झटका दे दिया तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म में क्या जगह होता है, अनइक्वल, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, पर, आई होप आपको दिख रहा हो, पर यूनिट टाइम। जब अनइक्वल चेंज हो तो नॉन यूनिफॉर्म, और इक्वल चेंज हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? अच्छा, मतलब वेलोसिटी में चेंज एक जैसा होना चाहिए। अब ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब हमें इक्वेशन वाले पढ़ने हैं, याद है आप लोगों को जो अपने बचपन में किया है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square 2as। इसकी डेरिवेशन हमें करनी होती है 2as, बताऊंगा सब चीजें मतलब क्या है, सुन लो पहले। देखो हमने माना कि एक इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, a है इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है, और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम s बोल रहे हैं, और यहां से यहां तक का जो टाइम लग रहा है उसको हम t बोल रहे हैं। तो u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, s है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेना। ओके, डेरिवेशन करते हैं इसका फटाफट। इनका हमें डेरिवेशन करना है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square 2as, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसकी डेरिवेशन हम करते हैं फटाफट, ठीक है, डेरिवेशन करते हैं फटाफट। हमें ये सब रिलेशन ड्राइव करना है कि भाई v is equal to ना u plus at होता है, पर ग्राफ के हेल्प से s is equal to ut plus half at square होता है, एंड v square minus u square equal to 2s होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ। अभी करेंगे कैसे हम लोग, तो देखो ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक ट्रिक क्या रहेगा, पहले तो हमने टॉपिक का नाम समझ लिया, अच्छे से लिख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का रिलेशन विथ ग्राफिकल मेथड, है ना। तो करना क्या, पहले पहले ग्राफ बनाएंगे हम, देखो समझना, मैं ग्राफ किसके किसके बीच में बना रहा हूं ये समझना। मैं कह रहा हूं कि ये इस तरफ रखूंगा मैं वेलोसिटी, क्या रखूंगा इस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ रखूंगा मैं टाइम, क्या रखूंगा टाइम, मेरी बात को समझना, इस तरफ वेलोसिटी इस तरफ टाइम। अब ध्यान से समझना, हम बोलेंगे देखो अगर ये वेलोसिटी है तो किसी भी पार्टिकल की कुछ ना कुछ, अगर ये जीरो वेलोसिटी कितनी है, और कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, और कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा भाई। ये कितनी, देखो ये जीरो है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, दो चार पांच छह कुछ भी, फिर वो मूव करते जाएगा, जब वो मूव करेगा तो टाइम बीतेगा, देखो टाइम भी बढ़ रहा है और वो बंदा आगे मूव कर रहा है। तो मान लो यहां पर जाके वो रुका, या यहीं पर अभी वो यहां पर खड़ा है, ये खड़ा नहीं है, चल रहा है मान लो, तो इस टाइम पर हम बोलेंगे कि जो भी वेलोसिटी होगी इसकी, ये कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, क्या आपको याद हो गया हाथों हाथ, तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब कहानी को समझना, कहानी को समझना, मैंने कहा ठीक है अगर मैं सभी लाइन को मिलाता हूं ऐसे, सबको मैंने ऐसे मिला दिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक ग्राफ मिल रहा है, क्या मिल रहा है ग्राफ, जिसमें मैं बोलता हूं मान लो ये एंगल थीटा है, एंगल कितना है थीटा, अगर मैं इस ग्राफ में ये वाली हाइट निकालूं तो v माइनस यू निकलेगा, क्या निकलेगा v माइनस यू। अब मुझे बताओ बहुत ही सिंपल तरीके से बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसी ग्राफ की हेल्प से मुझे सारे रिलेशन निकालने हैं, तो पहला तरीका क्या, देखो पहला तरीका ये है कि आप इस ग्राफ का निकालो tan थीटा, क्या निकालो, अगर tan थीटा को बोलते हैं हम स्लोप, क्या बोलते हैं स्लोप, और पता नहीं इसको बोलते हैं tan थीटा को बोलते हैं हम स्लोप, क्या बोलते हैं, और स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर क्या है वी माइनस यू, और बेस क्या बेटा, बेस है आपका टी, जो भी टाइम लग रहा है टाइम है ना टाइम, बेस क्या है टी। अब देखो tan थीटा को बोलते हैं हम स्लोप, स्लोप क्या हो गया वी माइनस यू बाई टी। अब छोटी सी बात याद कर लो, मैंने सिखाया था आपको, अगर अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे वी अपॉन टी क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर v upon t का मतलब एक्सेलरेशन होता है ना, तो देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो है ये क्या होता है एक्सेलरेशन, तो हम इसको लिख देंगे ये एक्सेलरेशन है, क्या है देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज होता है क्या होता है एक्सेलरेशन। तो यहां से हमने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो at is equal to v minus u, अगर मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूं तो देखो क्या हो गया at is equal to plus u is equal to v, यानी v is equal to u plus at। तो क्या बात समझ में आ गया, तो क्या समझ में आया, अगर मुझे पहला रिलेशन ड्राइव करना है तो मैं क्या निकालूंगा tan थीटा, क्या निकालूंगा tan थीटा, ये बात समझ में आ गया, tan थीटा से पहला रिलेशन निकलेगा, tan थीटा से पहला रिलेशन निकलेगा, देखो tan, tan थीटा से क्या निकलेगा पहला रिलेशन, समझ में आ गया। तो ऐसे याद कर लो, इसके अंदर होता है at, क्या होता है at, यानी मुझे अगर at वाला रिलेशन चाहिए होगा तो मैं tan थीटा लगाऊंगा, क्यों देखो at आ रहा है ना इसमें भी, तो याद हो गया कि अगर मुझे at वाला रिलेशन चाहिए v is equal to u plus at, तो मैं क्या निकालूंगा tan थीटा, क्योंकि उसमें भी एटी आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है एटी। तो अगला देखो, अगला क्या ड्राइव करना होता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख लोगे, अगला क्या ड्राइव करना होता है, अगला कहते हैं कि भाई आप ये ड्राइव करके दिखाओ s is equal to ut plus half at square, तो ये कैसे ड्राइव किया जाता है समझना, देखो इस चीज को समझना, s मतलब डिस्प्लेसमेंट,
और एस पर ऐसे याद कर लो सारा, क्या याद कर लो सारा, सारा मतलब बोलते रहे सारा का सारा, मुझे सारा चाहिए, क्या चाहिए सारा, तो याद कर लो एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब क्या हो गया सारा, सारा यानी इस पूरे का एरिया निकालना है, सारा का सारा, सारा का सारा एरिया निकालना है, बात खत्म, बात समझ में आ गया। एस फोर डिस्प्लेसमेंट, एस फोर क्या होता है स, स यानी सारा, यानी पूरा एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे एरिया, तो बताओ एरिया कैसे निकालूं मैं, इस पूरे का एरिया कैसे निकालूं, तो नीचे वाले का एरिया मैं इसको बोल देता हूं A1, क्या बोलता हूं A1, इसको क्या बोलता हूं A2, A1 प्लस A2 हमें मिल जाएगा आंसर। तो फटाफट मैं पूरा का पूरा निकालता हूं, देखो अगर मैं यहां पर लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा एरिया, एरिया अंडर जो भी ग्राफ है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, हमने वीटी ग्राफ बनाया ना, सारा का सारा एरिया ले लेंगे, तो नीचे वाला जो एरिया आएगा A1, ऊपर वाला क्या आएगा A2, और A1 था एक रेक्टेंगल, क्या था एक ऐसा रेक्टेंगल था, क्या था ऐसा रेक्टेंगल, जो यहां पर जीरो पॉइंट था, यहां पर यू था, और यहां से यहां तक क्या था टाइम, ठीक से देखो, ठीक से देखो, यहां पर जीरो है, यहां पर यू है, यू दिख रहा है, और यहां इस लाइन में क्या है टाइम है ना, तो लेंथ मिल गया मुझे, ये लेंथ मिल गया, ये ब्रेथ मिल गया, तो एरिया निकल सकता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू, तो ये आ गया यूटी, क्या आ गया यूटी। अब A2 निकालो, तो A2 देखो ठीक से, A2 मतलब ये ट्रायंगल, A2 मतलब ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है टी, हाइट कितना है वी माइनस यू, तो आप क्या बोलोगे हाफ बेस कितना है, बेस है टी और वी माइनस यू, वी माइनस यू, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलोगे सर वैसा तो नहीं दिख रहा, वैसा थोड़ी दिख रहा है हमें, हमें तो चाहिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर तुम ये मत भूलो, तुम ये मत भूलो, पहले निकाल चुके तुम वी माइनस यू क्या होता है ए टी, देखो ना वी माइनस यू किसके बराबर होता है ए इंटू टी, वी माइनस यू क्या होता है ए टी, ये तो सबको याद होता है, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसमें वी माइनस यू की जगह पुट कर देंगे, तो बेटा ये हमारा डेरिवेशन आने का चांस हो गया, वी माइनस यू क्या होता है ए टी, तो बस आंसर आ गया यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या आ गया। तो देखो पहला इक्वेशन में मैं कैसे ड्राइव करूंगा, उसमें आता है पहले इक्वेशन में ए टी क्या आता है, तो मैं लिखूंगा टेन, क्या लिखूंगा टेन, क्योंकि टेन में भी क्या आता है ए टी, खत्म हो गया। दूसरा क्या, एस का मतलब सारा, सारा मतलब पूरे ग्राफ का एरिया निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, देखना थर्ड इक्वेशन हमें ये ड्राइव करना है, थर्ड इक्वेशन ये ड्राइव करना है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, यानी कि भाई समझो मेरी बात को, एस होना चाहिए, एस क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं भी टी नहीं है, कहीं भी टी नहीं है। तो देख अगर मैं इसी इक्वेशन को देखता हूं, समझ मेरा टारगेट ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, मेरे को इसमें एस तो मिल गया, मेरे को यू चाहिए यू, अरे यू भी मिल गया यहां पे, बात समझ पा रहा है, मेरे को ए चाहिए ए भी मिल गया, लेकिन इस वाले में टी नहीं है, इस वाले में टी है, तो यहां पर हम टी को हटा देंगे, टी को, तो याद कर पीछे तो नहीं पढ़ा था वी माइनस यू बाई टी ए एक्सेलरेशन, ये पढ़ा था ना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो कुछ मत कर यहां से टी निकाल ले, क्या निकाल ले टी, क्या आ जाएगा बता वी माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए, उस टी को यहां पुट करते तेरा आंसर निकल आएगा, देख यू टी की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं वी माइनस यू बाई ए, ठीक है यहां पर एक ठीक है टी की जगह पुट किया, टी की जगह पर ठीक है, प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर यानी वी माइनस यू का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है ए ना, यहाँ तो ए का स्क्वायर बाहर आ गया, बात ही समझे, अरे अरे यार इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा यार, वी का भी स्क्वायर, वी माइनस यू का भी स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर, तो मैंने खोल के लिख लिया। आप अगले स्टेप में देख आंसर दे रहे हाथ में, आंसर अगले स्टेप में आंसर हाथ में कैसे देख, कुछ मत कर मल्टीप्लाई कर दे, यू वी माइनस यू का स्क्वायर, देख यू इंटू वी यू का स्क्वायर बाई ए, देख ए से ए कट गया हाफ बचा, ए बचा ए से ए कट जाएगा, यहाँ क्या बचा वी माइनस यू का होल स्क्वायर, वी माइनस यू का होल स्क्वायर, अब मैं देख जानू से क्या करूंगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू, अरे खोल दिया मैंने, क्या कर दिया देख यहाँ पर ए दिख रहा है, अरे तेरे को यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ ए दिख रहा है, दोनों को कॉमन लेके बाहर देते हैं यहाँ पर, तो एस इंटू ए इधर हो गया, यहाँ क्या बचा यू इंटू वी, यू इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर हाफ बचा, यहाँ पर क्या बचा इस हाफ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देख हाफ वी स्क्वायर हाफ यू स्क्वायर माइनस हाफ से हाफ कट जाएगा ये, अरे टू का वन बाई टू का भेज रहा हूँ ना, क्या बचेगा वी इंटू यू, क्या बचेगा, अब देख तेरा आंसर आ गया, देख देख छोटी सी कैलकुलेशन देख ले बेटा आंसर आ गया, देख ये से इससे गया वी यू गया, समझ पा रहे मेरे बच्चे, अब देख यहाँ पर है एक यू स्क्वायर, यहाँ पर है आधा यू स्क्वायर, तो माइनस का आधा यू स्क्वायर बचेगा, क्या बात समझ पा रहा है, अरे ये आधा ये एक है और माइनस साइन यहाँ पर है, तो माइनस का हाफ यू स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का हाफ वी स्क्वायर है, देख गया अब यहाँ पर क्या है ए एस क्या है, तो आंसर बन गया ना, उल्टा कर दे इसको, हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इजिकल टू ए एस, टू इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो टू ए एस इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू को इधर भेज दिया यार, टू को कॉमन लेके इधर भेज दिया, देख बड़ा आसान था, सुन सुन बेटा फर्स्ट, अगर तू फंस गया ना सुन मेरी बात सुन, अगर तू फंस जाए तो पुट करके लास्ट में आंसर लिख दियो, तीन मार्क का क्वेश्चन है, ढाई तो मिल जाएगा, दो तूने कर लिया एक आधा कर दिया, यहाँ कैलकुलेशन था और कुछ काम नहीं था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना था बस। देखिए अगला टॉपिक होता है प्यारे बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है कि अब ना ऊपर नीचे मोशन होगा, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो नीचे लगता है, ग्रेविटी आपको पता है नीचे लगता है, तो इस बार क्या करना है आपको जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो इस बार जो एक्सेलरेशन होता है ना एक ही जगह पर हम जी की बात करते हैं, इसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जब मोशन ग्रेविटी के अंडर होता है ऊपर नीचे वाला मोशन होता है तो एक्सेलरेशन की जगह हम जी पुट करते हैं और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
कई बार लोग इसको 10 भी लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो भी इक्वेशन पढ़ा था, आपने पढ़ा था ये, आपने ये पढ़ा था, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आपको a की जगह पर g पुट कर देना है बस। आपने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपको a की जगह पर g पुट करना है बस। और आपने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एच ए एस, है ना, यहाँ पर s कर देना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब s, पर मैं हाइट मान रहा था इसको ना, ऊपर नीचे को हाइट, पर ये होता है s यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन होता है v स्क्वायर u स्क्वायर टू ए एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो आपको भी क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर a की जगह पर आपको g लगाना, यानी कि a की जगह पर g आ जाएगा बस। अब g का मान भी आपको पता है 9.8 होता है ना। अब यहाँ पर छोटी बात लिखेंगे, साइन कन्वेंशन, ऊपर को हम पॉजिटिव मानते हैं नीचे को हम नेगेटिव मानते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पर, आप अपने ध्यान से करना इसको, अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं तो यहाँ पर देखिए जो प्लस है ना, जी की वैल्यू होती है नीचे, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है, नीचे नीचे, तो जी की वैल्यू आपको माइनस इस्तेमाल करना है। तो इन सभी फॉर्मुले में माइनस साइन एक्स्ट्रा जाता है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी आए तो इन्हीं फॉर्मुले के अंदर ए की जगह पर माइनस जी पुट कर देंगे और हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। और हम ध्यान रखेंगे ऊपर की चीजों को पॉजिटिव बोलते हैं और नीचे की चीजों को नेगेटिव बोलते हैं। अब लास्ट इस चैप्टर में हम ग्राफ्स पढ़ेंगे थोड़े बहुत, और ग्राफ्स के ऊपर ट्रिक देखेंगे। ट्रिक ये रहेगा, एक्स का मतलब या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, वी का मतलब वेलोसिटी होगा या फिर स्पीड होगा, ए का मतलब होगा एक्सेलरेशन, और आपको अगर स्लोप समझना, स्लोप या टैंजेंट समझा रहा हूं। देखो मान लो क्वेश्चन में एक्स और टी दिया है और ऐसे ग्राफ दिया है और एंगल दिया है मान लो 30 डिग्री, और आपसे कोई कहता है कि फाइंड स्पीड। क्वेश्चन समझना कि ग्राफ देख के स्पीड पूछेगा, तो ध्यान रखना ये एक्स है और आपको नीचे आना है, वी पर आना है, वी मतलब स्पीड या तो वेलोसिटी, तो एक स्टेप नीचे आना है। तो जब भी स्टेप नीचे आना हो तो स्लोप या टैन थीटा लगाते हैं, यानी कि अगर मुझे एक्स दिया हुआ है और मुझे वेलोसिटी पूछा है या स्पीड पूछा है तो एक स्टेप नीचे आना है, और एक स्टेप नीचे आने का मतलब है आपको या तो स्लोप निकालना है या तो टैन थीटा निकालना है। तो हम बोलेंगे भैया देखो सॉल्यूशन में हम ये बोलेंगे कि जो स्पीड होगा ना, स्पीड मतलब एक स्टेप नीचे, वो टैन थीटा से मिलेगा, तो इक्वल टू में टैन थीटा। तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा, स्पीड जो होगा स्पीड, टैन थीटा की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, टैन थीटा की जगह बताओ, एंगल दिया 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री। तो यहां से अगर आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो जो स्पीड आ जाएगा, टैन 30 का मतलब होता है 1/√3 मीटर पर सेकंड, है ना। एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसा आ गया क्वेश्चन कि यहां वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, और आपसे एंगल दिया 60 डिग्री, और क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन। उसने बोला एक्सेलरेशन फाइंड करो प्यारे बच्चों। तो देखो आपको वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है, तो आपको एक स्टेप नीचे आना है, वी से ए पर आने के लिए एक स्टेप नीचे आना है, और जब भी नीचे आना हो तो आप टैन थीटा निकालते हो, तो आप बोलोगे जो एक्सेलरेशन होगा वो टैन थीटा के बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टैन 60 डिग्री, और टैन 60 का मतलब होता है √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, या फिर क्वेश्चन ग्राफ वाला ऐसा आ सकता है कि यार देखो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ये एक लाइन खींचा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर तो एंगल बन ही नहीं रहा, एंगल जीरो है। अगर बोले फाइंड स्पीड तो आप क्या बोलोगे कि यार स्पीड, देखो आप, मैंने भी पढ़ाया था आपको, अगर आपको x से v पर आना है तो tan थीटा निकालना पड़ेगा, तो आप बोलोगे यार यहां पर जो tan 0 डिग्री स्पीड इज इक्वल टू किससे मिलेगा, स्पीड इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 0 डिग्री 0 होता है, तो स्पीड भी कितना हो जाएगा 0, तो स्पीड कितना हो गया 0, है ना। तो ऐसा समझते रहना। मान लो अगर कोई ऐसे आपसे बोले ये x है ये t है, अब देखो बार बार एंगल बढ़ रहा है, अब देखो आपको पता है कि x और t है, तो जो tan थीटा होगा वो वेलोसिटी या स्पीड के बराबर होगा। अब देखो यहां पर देखोगे आप तो एंगल बढ़ रहा है, एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर एंगल बढ़ेगा तो हम बोलेंगे हमारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो भी बढ़ेगा, वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मान लो कभी ऐसा ग्राफ आ जाए, है ना, कि ये एक्स है ये टी है और ऐसे घट रहा है, तो देखो एंगल घटने का मतलब क्या है कि अगर एक्स दिया हुआ है तो हम बोलेंगे टेन थीटा जो होगा ना वो वेलोसिटी होगा, अगर आपका थीटा घट रहा है तो वेलोसिटी भी घट रहा है। तो आप एंगल के सहारे से बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। मैं एक दो और ग्राफ करवा दूं आपको, जैसे मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये एक्स है और ये टाइम है और ये एक लाइन खींचा हुआ है, तो यहाँ पर देखो तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो आप बोलोगे यार स्पीड जो होगा ना, स्पीड वो टेन 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री तो डिफाइन नहीं होता, टेन 90 इनफाइनाइट होता है, तो स्पीड कितना हो गया, स्पीड हो गया इनफाइनाइट, और ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, टेन 90 इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो मैं बस एंगल की वजह से बता रहा हूँ कि अगर आप टेन थीटा याद रखते हो तो बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चन कर सकते हो। एक दो और क्वेश्चन में अगर आपको बताऊँ ग्राफ वाले, तो जैसे कि मैंने कहा देखो यार यहाँ पर एक्स दिया है, टी दिया है, और मैंने बोला कि दो बंदे हैं ए और बी, बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है, तो देखो इसका एंगल और इसका एंगल देखो, तो बोलेंगे हम एंगल बी का ज्यादा है एज कम्पेयर टू एंगल ए, बी का ज्यादा एंगल, तो स्पीड भी किसका ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ बी ज्यादा होगा स्पीड ऑफ ए से, है ना। तो देखो एंगल की हेल्प से, देखो एंगल की हेल्प से हम क्या क्या बता पा रहे हैं, देखो इसका एंगल ज्यादा तो स्पीड ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ वाले इजिली आप कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन में अगर आपको दे दूं, ऐसी सिंपल मैंने क्वेश्चन दिया ग्राफ वाले, मैंने कहा देखो ये एक्स है, ये टी है, और एक है 30 डिग्री और यह है 60 डिग्री, ये मान लो बी है आपका, ये आपका ए है, मैंने कहा रेशियो ऑफ स्पीड बताओ, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, तो आप बोलोगे यार देखो स्पीड ऑफ ए, सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो स्पीड ऑफ ए किसके बराबर होगा,
स्पीड ऑफ ए होगा ये वाला टेन थर्टी डिग्री के बराबर। आपको पता है स्पीड टेन थीटा होता है, और इसको डिवाइड किसे करना है, रेशियो मतलब डिवाइड करना, बी से डिवाइड करना है, तो बी का 60 डिग्री है, तो स्पीड ऑफ बी कितना होगा, स्पीड ऑफ बी होगा टेन 60 डिग्री। अब टेन 30 होता है 1 बाई रूट 3, और टेन 60 डिग्री होता है रूट 3, तो आंसर आ गया 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 इसका आंसर आ गया। समझ मेरी बात को, तो वैल्यूज मैंने पुट करा, देखो ये तो आपको पहले से आता होगा, यानी ग्राफ वाले कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने सब कुछ करा दिया बढ़िया से इस चैप्टर में। तो अपना प्यार बरसाओ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय योर डे।